नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हरि कृपा में। मित्रों, आज हम बात करेंगे काला जादू के लक्षण व बचाव के उपाय की। काला जादू को अभिचार कर्म के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात ऐसा तंत्र मंत्र जिससे नकारात्मक शक्तियों को जागृत किया जाता है। काले जादू का मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति को उसके स्थान से भगाना, उसे परेशान करना या उसे वश में करके उसका मनचाहा इस्तेमाल करना या उसे बर्बाद करना होता है। काले जादू के अंतर्गत वशीकरण, स्तंभन, मारण, भूत प्रेत, टोने और टोटके आदि आते हैं। अधिकतर ऐसे तांत्रिक विद्या या तांत्रिक क्रिया कहा जाता है। नकारात्मक तंत्र मंत्र को वो लोग अपनाते हैं जो दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करते हैं। इस तरह के व्यक्तियों के अंदर नकारात्मकता, ईर्ष्या, लोभ, कुंठा, निराशा इस तरह से घर कर जाती है कि वे दूसरे की उन्नति, सफलता, समृद्धि को स्वीकार नहीं कर पाते और वे उस व्यक्ति से प्रतिशोध लेने के लिए काले जादू का सहारा लेते हैं और इसके लिए और उसके लिए परेशानियां पैदा कर आनंद का अनुभव करते हैं। काले जादू का प्रयोग दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाने या चोट पहुंचाने के लिए कुछ विशेष तरह की क्रियाओं के द्वारा संपन्न किया जाता है। इसका प्रभाव हजारों मील दूर बैठे व्यक्ति पर भी देखा जा सकता है। काला जादू या नकारात्मक तंत्र मंत्र से ग्रसित व्यक्ति के कुछ साधारण लक्षण हैं, जैसे सांसों में भारीपन, सांसों का तेज चलना, गले में खिंचाव, मानसिक अवरोध उत्पन्न होना, घर में बिना किसी कारण के लड़ाई झगड़ा होना, व्यवसाय में अचानक हानि होना, छाती में भारीपन महसूस होना, नींद का ना आना, किसी की मौजूदगी का भ्रम होना आदि लक्षण साधारणतया देखने में आते हैं। व्यक्ति का मन शांत रहता है, उसका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता, व्यक्ति कटाकटा सा रहने लगता है या एकांत में अधिक समय व्यतीत करने लगता है। उसे लोगों के बीच में रहना, उनके साथ घूमना मिलना अच्छा नहीं लगता। कुंठा, निराशा, उत्साह में कमी भी इसी का परिणाम है। यदि काले जादू का समय रहते उपाय ना किया जाए तो यह अत्यंत विनाशकारी व घातक सिद्ध हो सकता है, जिसके कारण व्यक्ति की जिंदगी तबाह और बर्बाद हो सकती है या उसे कोई भयानक बीमारी अपने अधीन कर सकती है। काले जादू का ज्योतिष योग। जन्म पत्रिका में ग्रहों के विशेष योग से व्यक्ति काले जादू के प्रभाव में आता है। यदि कुंडली में सूर्य, चंद्र, मंगल, शनि विशेष भाव में राहु केतु से पीड़ित होते हैं तभी नकारात्मक तंत्र मंत्र व्यक्ति पर अपना प्रभाव डालता है। यदि कुंडली में ग्रहण योग हो तो भी व्यक्ति इन शक्तियों के प्रभाव में आता है। ये तो हुई काले जादू व इसके लक्षणों की बात। चलिए अब बात करते हैं काले जादू से बचाव के अचूक उपायों की। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमारी आने वाली उपयोगी व ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले। अपने कीमती सुझाव कमेंट के माध्यम से अवश्य दें। आप नेक्स्ट वीडियो किस विषय पर चाहते हैं ये आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। चलिए आते हैं अपने विषय पर, काला जादू से बचाव के अचूक उपाय। उपाय नंबर एक, एक पानी वाला नारियल लें और उसे पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 21 बार वारें। वारने के बाद उसे किसी देव स्थान पर जाकर अग्नि में जला दें। यह उपाय मंगलवार या शनिवार को करना है। 5 मंगलवार या शनिवार यह उपाय करने से जीवन में चाणक्य कष्ट से छुटकारा मिलेगा। यदि सेहत भी खराब है तो उसके लिए भी यह उपाय उत्तम है। उपाय नंबर दो, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुद्धता पवित्रता का ध्यान अवश्य रखें, शुद्धता पवित्रता से पाठ करें। उपाय नंबर तीन, प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर जलाना चाहिए। इसके अलावा कभी कभी गुड़ घी मिलाकर कंडे को जलाकर धूप देवें। कंडा गाय के गोबर के उपले को कहते हैं मित्रों। उपाय नंबर चार, घर में गोमूत्र का छिड़काव करें और हो सके तो पीड़ित व्यक्ति को कुछ दिन
थोड़ा थोड़ा गोमूत्र पिलाएं। उपाय नंबर 5, एक नींबू लेकर 21 बार पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से वारें और उसे किसी चौराहे पर रखाएं, पीछे पलटकर ना देखें। उपाय नंबर 6, पूर्णिमा, अमावस्या, 13, 14, मंगलवार और शनिवार के दिन विशेष ध्यान रखें, इस दिन पवित्र बने रहें। उपाय नंबर 7, जावित्री, गायत्री केसर और गुग्गल मिलाकर 21 दिन तक सुबह शाम गाय के कंडे पर रखकर जलाएं। उपाय नंबर 8, 5 शनिवार शनि मंदिर में छाया दान करें, अर्थात एक कटोरी लें, उसमें सरसों का तेल भरकर उसमें अपना चेहरा देखकर उसे मंदिर में रख दें। उपाय नंबर 9, सफेद आंकड़े का पौधा घर में लगाएं तथा इस पौधे की जड़ को कुछ दिन के लिए गले में बांध लें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें। मित्रों, लाइक करने में कंजूसी ना करें। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।